तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनरी वर्सेस फॉरेक्स के बारे में। अगर आप बाइनरी या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो दोनों में से कौन बेटर हो सकता है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो या फॉरेक्स कर रहे हो या दोनों कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लास्ट तक देखनी है ताकि आपको समझ आ सके कि आप बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है और फॉरेक्स किस तरह से वर्क करती है और कहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते हो। साथ में डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम के लिंक भी होगी तो वो आप जरूर ज्वाइन करना, जहाँ पे मार्केट के अपडेट हो और फॉरेक्स के कॉल्स हो शेयर, वो मैं सारा वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो बाइनरी के लिए अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करोगे तो आपको क्यूटेक्स मिल जाएगा, बिनोमो मिल जाएगी, आईक्यू ऑप्शन मिल जाएगा, लिंप ट्रेड मिल जाएगी और इस तरह से लगभग 30 से 35, 50, 60, 100 तक का भी आपको बाइनरी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। आज आपने इंडिया में भी देखा होगा कि बाइनरी ट्रेडिंग के जो ऑप्शन हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। किसी ने भी एक छोटा सा एप्लीकेशन बना दिया, वेबसाइट बना दी, जहाँ पे वो बाइनरी ट्रेडिंग का सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। साथ में अगर हम फॉरेक्स के बारे में बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रोकर आ चुके हैं जो कि लगभग 6 महीने, 1 साल, 2 साल ही हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर बताते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। दोनों पे मैं अगर अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स बाइनरी से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फॉरेक्स में आपको टाइम मिलती है कि आप कितने समय तक यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। साथ में आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड चूज करने का ऑप्शन होता है। ट्रेडिंग पे रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमेशा जो आपका रिवॉर्ड है वो आपके रिस्क से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी ट्रेड पे $10 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ से आपकी थिंकिंग होनी चाहिए या तो $20 का प्रॉफिट आए या $15 का प्रॉफिट आए या फिर $30 का प्रॉफिट आए, लेकिन प्रॉफिट $10 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो, ये स्ट्रेटजीज आपका सक्सेस होता है तो फॉरेक्स में आप बहुत पैसे कमा सकते हो। लेकिन बाइनरी में अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाइनरी में आप 1 मिनट का ट्रेड ले सकते हो, 2 मिनट का ट्रेड ले सकते हो, 5 मिनट का ट्रेड लेते हो। तो ये होता क्या है कि ये ट्रेड इंस्टेंट फैसला सुना देती है कि आपकी विन हुई या आपकी लॉस। दूसरा, आप जब इसमें ट्रेडिंग करते हो तो सपोज करो कि किसी में आपने $10 इन्वेस्ट किया तो जब आप जीतते हो, जब आप उस ट्रेड को विन करते हो तो उसमें आपको या तो $8 मिलते हैं या $9 मिलते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बाइनरी ट्रेडिंग में, कि जब भी आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो विनिंग चांस होता है वो 90% होता है और लॉस के जो चांस होते हैं वो 100% होते हैं। मतलब आपकी अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मतलब अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज 50-50 भी है तो भी आप यहाँ पर लॉस करोगे। लेकिन फॉरेक्स में अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज 50-50 की है और आपका रिस्क, आपका जो रिवॉर्ड है वो रिस्क से हमेशा बड़ा होता है तो फिर आप फॉरेक्स में प्रॉफिट बना सकते हो। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम यूट्यूबर्स बाइनरी ऑप्शन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग पे यूट्यूबर्स के जो इनकम होते हैं, उसके जो कमीशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आपके लॉस का 30% हिस्सा या 50% हिस्सा यूट्यूबर्स के पास चला जाता है, उसके प्रमोटर के पास चला जाता है। साथ में बाइनरी ट्रेडिंग पे जो मैनिपुलेशन होती है वो टोटल बाइनरी ऑप्शन या बाइनरी ट्रेडिंग के पास ही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट होती है बाइनरी ट्रेडिंग पे फॉरेक्स के मुकाबले। तो मैं आपको रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप बाइनरी ट्रेडिंग करो। हाँ, आपकी टेक्निकल एनालाइज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जहाँ पे आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो 70 से 80% या 90% है, तो ही आप बाइनरी ट्रेडिंग को चूज कर सकते हो। बाकी का अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज 50-50 है या फिर 60/40 है, अगर आपके जो विनिंग के चांस है वो 60% है, तो आप बाइनरी में कभी भी जीत नहीं पाओगे, बाइनरी में पैसे कभी भी नहीं कमा पाओगे। तो उसके लिए फॉरेक्स बेस्ट है, आप फॉरेक्स को ट्राई कर सकते हो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप एक्सनेस या मल्टीबैंक एफएक्स, इन दोनों में से किसी को यूज करके ट्राई कर सकते हो। दोनों का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर मैं फ्री कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करोगे तो फ्री कॉल्स का भी बेनिफिट आप यहां पे ले सकते हो। बाकी मैं मानता हूं कि फॉरेक्स से ज़्यादा रिस्की बाइनरी ट्रेडिंग है, क्योंकि लोग यहां पर क्विक प्रॉफिट के चक्कर में आते हैं और मैक्सिमम लोग नुकसान ही करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हो फॉरेक्स में, तो आप फॉरेक्स ब्रोकर को चूज कर सकते हो। बाकी बाइनरी काफ़ी रिस्की है,
तो एक बार चाहो तो 10-20 डॉलर से कभी भी ट्राई करना और उसमें आपको सारी कुछ समझ में आ जाएंगे। फिर आपका जो डिसीजन होगा वो आपके ऊपर होगा कि आप फॉरेक्स चूज करना चाहते हो या बाइनरी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।